ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आज क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, गाजियाबाद हम पहुंचे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार एक यहां से खड़े हुए हैं, अमित शर्मा जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या समस्याएं उनके साथ। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। थैंक यू। कुछ समस्याएं जो हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार के लिए पैदा होती हैं, क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हम निर्दलीय हैं और हमारे पे कोई पीछे बैनर नहीं है। समस्याओं का ये दौर चल रहा है कि लेके पर्चे लेने से, चालान लेने से पहले जब हमने फॉर्म लिया है तब से लेकर आज तक समस्या का सामना कर रहे हैं। पहली समस्या तो मैं वहीं आ गई जब हमें फॉर्म जमा करना था। 11 बजे का टाइम दिया था, 11 से 3 बजे तक फॉर्म जमा होंगे, लेकिन वहाँ पर भी हम लोगों के साथ पक्षपात हुआ कि जो बड़ी राष्ट्रीय दल पार्टी थी पहले उनका इंतजार करा गया, उन्होंने फार्म भरा और तकरीबन उन्होंने 1:45 बजे तक फार्म भरा और हमें और सभी कैंडिडेटों को, फिर उनका नंबर था, देन उसके बाद मेरा नंबर था, मैं सबसे लास्ट में था। तकरीबन 2:17 पर मेरा फार्म एक्सेप्ट हुआ, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में। एक एक चीज़ के लिए हमें अनुमति लेनी पड़ रही है, कभी पानी की बॉटल के लिए, कभी हमें अपना कार्यालय खोलने के लिए, कभी फेसबुक के चलाने के लिए, कभी व्हाट्सएप के लिए, कभी मैसेज के लिए, कभी पैम्पलेट्स के लिए। यानी कि मुझे नहीं पता था कि इतनी समस्या आती है। कभी अगर हमें ढोल बजाना है, देखो हमें कोई जानता नहीं है, हमने आवाम में आवाज़ उठाई है अपने लिए, ढोल तक के लिए भी हमें परमिशन लेनी है। यानी कि ऐसा हो रहा है जैसे निर्दलीय उम्मीदवार का कोई अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। ऐसा कुछ था कि ढोल के लिए पैसे दिए गए थे लेकिन उसके बाद भी आपको ढोल बजाने से मना कर दिया गया? सर, उसमें लिखा सब कुछ है लेकिन परमिशन सब कुछ वहीं से लेनी है। अब चाहे वो ढोल हो, चाहे वो डीजे हो, चाहे वो आप अगर प्रचार रिक्शा से करना चाहेंगे तो भी। अब बताइए हम कितने अनुमतियाँ लें कि अनुमति लेते लेते तो इतना इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन के 2-4-5 दिन रह गए हैं, बस इलेक्शन आ लिया है, हम अनुमतियों में लगे हुए हैं क्योंकि हम अपने चुनाव आयोग का कोई भी कानून तोड़ेंगे नहीं। हो सकता है रफ्तार मेरी मंदी हो लेकिन मैं एक तरह से क्रांति की तरह आऊँगा। अगर मुझे एक दिन भी मिला, मैं एक दिन से भी आगे बढ़ूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। ये अमित शर्मा जी हैं लेकिन इनके प्रतिनिधि संदीप जी मेरे साथ हैं। संदीप जी लगातार कचहरी में जो परमिशन ले रहे थे, क्योंकि ये मुद्दा भी बहुत ज़रूरी था, मेरे को समझ में आया जब इनसे मैंने बात करी। क्या समस्या है आज? ऐसा है, हम जिस भी काम के लिए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की अगर परमिशन लेने जा रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो हमें हर चीज़ की परमिशन चाहिए। अब हम निर्दलीय उम्मीदवार हैं, हमें इतना तो पता है नहीं कि किस किस की परमिशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती हैं, लेकिन अब हम जब हम पहुँचे वहाँ जाके तो हमें ये पता लगा कि हमें अगर बैनर छपवाने तो उसकी भी परमिशन चाहिए, कैंप कार्यालय बनाना उसकी भी परमिशन चाहिए, उसमें NOC चाहिए सब विभागों से, अगर हमें कोई म्यूजिक सिस्टम लगवाना उसकी भी परमिशन चाहिए, अगर समझ लीजिए कि अगर हमें सोशल मीडिया पर किसी तरह की एक्टिविटी डालनी है, वीडियोस डालनी है, हम अपना प्रचार करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे करना चाह रहे हैं तो उसकी भी परमिशन चाहिए। क्योंकि कचहरी में आप रहे तो मैं तो देख रहा हूँ कि बाकी जितनी भी पार्टियां उनकी जो प्रचार प्रसार की सामग्रियां भी वो वितरित कर रहे हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया पे भी रेगुलर अपडेट है, तो ऐसा क्यों? क्या उन लोगों ने पहले परमिशन ले ली थी? मैं गया था कार्यालय में पता करने के लिए तो मुझे जहां तक सूचना मिली कि वहां पर किसी ने परमिशन नहीं ली है, लेकिन हम जो इन चीजों को करने के लिए जा रहे हैं तो हमें ये बताया जा रहा है कि जी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी हर चीज की। यानी कि समस्याएं जो है वो लगातार उत्पन्न हो रही है। जैसा कि अमित शर्मा का कहना है, इनका कहना तो यही है कि निर्दलीय कैंडिडेट है इसलिए जो ये समस्या हैं वो उत्पन्न की जा रही हैं। निर्दलीय चुनाव में खड़े हो गए, मुद्दे बना लिए कि और पार्टियों को चैलेंज करना है, जैसे हम पहले भी आपसे बात कर रहे थे, लेकिन अगर ऐसे चलेगा तो क्या ऐसे आगे कोई सोच पाएगा कि निर्दलीय कोई खड़ा हो और उसके बाद किसी पार्टी को टक्कर दे, फिर अपने क्षेत्र के बारे में सोचे, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई आगे उम्मीद कर पाएगा इन सब दिक्कतों के बाद खड़े होने? सर, जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार के लिए दिक्कतें आ रही हैं, शायद मुश्किल ही होगा कोई खड़ा हो पाएगा, और चुनाव आयोग ने इतनी सख्ताई कर रखी है इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम उसको पालन करते हुए आगे चल रहे हैं। लेकिन समस्या का समय यानी इतना ज़्यादा है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक एक चीज़ के लिए एक पोर्टल नहीं खुल पा रहा है, पोर्टल पे OTP नहीं आ पा रहा, OTP आ रहा था वो लेट आ रहा है, इतना वो कैंसिल हो जाता है, फिर उसका फिर स्टार्ट करते हैं, तो ऑनलाइन की समस्या, इन्होंने बोला कि ऑनलाइन कीजिए लेकिन ऑनलाइन से भी कोई समस्या हल नहीं हो पा रही है, हमेशा वो बंद हो रहा है, हर बार नेट सर्वर नहीं आ रहा, कभी वो ओपन नहीं हो पा रहा, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। जनप्रतिनिधि के रूप में खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से इस वक्त की ऐसी हालत को देखते हुए?
मैं तो ये कहूँगा कि जब आप सब कुछ ऑन द पेपर करते हैं और जब आप सब कुछ करते हैं, ये सारी छूट उसी टाइम मिल जानी चाहिए जिस टाइम एक आप टिकट देते हैं, एक लड़ने का एक क्षमता देते हैं कि आप लड़ सकते हैं। आप भी मैदान में लड़िए और खुल के लड़िए। सभी पार्टी, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, सभी पार्टियाँ जो लड़ रही हैं या हम भी हैं निर्दलीय, तो हमें सबको एक समान छूट उसी टाइम मिल जानी चाहिए कि आपको इस तरह चलना है, आपको इस तरह चलना है। अगर जिस तरह ये अनुमति की बात है तो ऐसे तो ये चुनाव एक तरफ चल दिया है। और मैं नहीं कहता कि इसके बारे में और कुछ शब्द बचे हैं, और शब्द का पूर्ण के नाम है कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित जी थे, बता रहे थे कि किस तरीके की समस्या एक निर्दलीय कैंडिडेट होने के नाते इनके साथ चल रही हैं, बीत रही हैं, और अगर इस तरह से अगर चलता रहा तो शायद उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले किसी भी चुनाव में कोई निर्दलीय व्यक्ति खड़े होने से पहले 10 बार ज़रूर सोचेगा। खैर, दिल्ली दर्पण टीवी को आप देखते रहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स से जुड़ी लगातार कवरेज हम आपको दिखाते जा रहे हैं और हर क्षेत्र में आपको ले जा रहे हैं। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर